एक मिनट Delhi World Public School, India's number one emerging school, जहां है academics, sports and performing arts का बेहतरीन combination. Admissions open from pre-nursery to 9th. कोरोना के महामारी के समय जब हमारे चिकित्सा कर्मी और सुरक्षा कर्मी अपनी जान पे खेल करके लोगों को सुरक्षा प्रदान कर रहे हैं, सेवा प्रदान कर रहे हैं, तो ऐसे समय समाज के भी कर्तव्य बन जाता है कि इनका ध्यान रखें. इस नाते अपने जो सदगुरु ग्रुप के थारानी से मैंने कहा तो उन्होंने अपनी ओर से 200 इस तरह किट, पीपीटी किट के लिए स्वीकृति दी. उसमें से 100 हमने चिकित्सा कर्मियों को और आज 100 हमने सुरक्षा कर्मियों को एसपी साहब को भेंट किए कि जिसके कारण से ये आज किरुणा सेंटर पर चाहे अपने जो पॉजिटिव आते हैं उनके यहाँ ये ड्यूटी देते हैं, तो उस समय निश्चित रूप से इनकी सुरक्षा आवश्यक है और शासन की भी सीमाएँ एक सीमित हैं. इस नाते एज ए नागरिक, एज ए जनप्रतिनिधि मेरा कर्तव्य बनता है कि मैं इनको दूं. तो आज हमने अभी 100 किट हमने एसपी साहब को भेंट किए हैं, जिसके आधार पर मुझे विश्वास है कि इन सुरक्षा कर्मियों को कुछ हद तक राहत मिलेगी. इस किट की स्पेशलिटी ये है कि सर से लेकर के पांव तक ये एक ही पीस में बना हुआ है और ये सैनिटाइज होकर के रीयूजेबल हो सकता है. अब तक कई तो इस तरह के बने जो वन टाइम यूज़ के हैं, लेकिन ये रीयूजेबल हैं. इस पर CMHO ने तो पानी भी डाल करके देखा, इसमें कहीं किसी प्रकार का नहीं आया, तो मुझे लगता है कि काफ़ी कुछ इनसे राहत मिल सकेगी. मैं बाकी लोगों से भी अपील करूँगा कि इन सुरक्षा कर्मियों और चिकित्सा कर्मियों के ऊपर धन्यवाद देते रहें, जो कुछ संभव है सहयोग वो इनका करते रहें. आज हमने इस कोरोना महामारी से लड़ने के लिए जो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट अपनी पूरी ताकत झोंके हुई है, जिसमें हेड्स ऑफ कहूँगा मैं कि जो हमारे मेडिकल टीम है, चाहे वो डॉक्टर्स हैं, नर्सिंग स्टाफ है, या अपने सुरक्षा कर्मी है, पुलिस है, सफाई कर्मी है, उन सब एकजुट होके हमें इस महामारी से जो बचाने का काम बहुत समय से कर रहे हैं. तो सद्गुरु ग्रुप भी पिछले 8-10 सालों से अजमेर में अपना जो सामाजिक सरोकार है वो करता हुआ आ रहा है. और मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा कि लॉकडाउन 1 और लॉकडाउन 2 में हमने 70,000 से ज़्यादा फूड पैकेट्स 3 टीमों ने मिलकर, जिसमें सद्गुरु ग्रुप का जो टीम का नेतृत्व किया था वो मैंने और भरत नियालानी ने किया, सेकंड सेवा क्लिनिक जिसमें आशा लालचंदानी ने किया, और तीसरी टीम जो थी वो धन्नारी ई कॉमर्स की थी जिसमें हेमा खेमानी ने किया. जगह जगह अजमेर और पुष्कर की लगभग सभी बस्तियों में हमने 70,000, जिसका कॉस्ट लगभग 1 करोड़ था, बांटे हैं. और वी आर थैंकफुल टू देवनानी साहब जिन्होंने हमें बताया कि डॉक्टर्स को और पुलिस को पीपीई किट्स की ज़रूरत है. तो इनके आह्वान पे हमने एक छोटा सा मेल डाला. बड़ी खुशी की बात है, मैं आपको शेयर करना चाहूँगा कि हमने एक छोटा सा मेल किया हमारे सद्गुरु ग्रुप के अजमेर के एम्प्लॉयज़, जिन्हें हम मेंबर्स कहते हैं, और बड़े आश्चर्य की बात रही कि विद इन 2 आवर्स हमें 3 लाख से ज़्यादा की राशि, आप हैरान होंगे, 2 घंटे के अंदर 3 लाख से ज़्यादा की राशि एकत्रित हो गई, जिसमें से 200 किट हमने टोटल यहाँ दिए. 100 CMHO और प्रिंसिपल मेडिकल कॉलेज और 100 आज पुलिस कप्तान साहब को, SP साहब को. और इसमें 1,01,000 आज हमने कलेक्टर विश्वमोहन शर्मा साहब को भी CM रिलीफ फंड में दिया है, और 1,00,000 हमने PM रिलीफ फंड देवनानी साहब को दिया है, और आगे भी हम इसी तरीके से अपना कार्य जारी रखेंगे.